जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम सबसे पहले दिखाते हैं किसान भाई बहनों को कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक अनुदान पर निजी क्षेत्र में कर सकते हैं नए तालाब का निर्माण। आत्मा मेघालय दल का झारखंड दौरा, समिति सभागार में हुई बैठक। बरसात में मिर्च की खेती के लिए लगाएं काशी अनमोल केवी। और अब समाचार विस्तार से। जो मछली पालक अपने निजी क्षेत्र में मछली पालन के लिए नए तालाब का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए मत्स्य विभाग द्वारा अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एक नंबर या दो नंबर दोन भूमि में 1.5 एकड़ से लेकर अधिकतम 12.5 एकड़ तक की जमीन में नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र निर्माण की इकाई लागत 5,60,000 रुपये है। इसमें लाभुक को 4,48,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीते दिनों कांके रोड स्थित समिति सभागार में आत्मा मेघालय और समिति झारखंड के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों राज्यों में कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की गई। इस संबंध में झारखंड के समिति निदेशक डॉक्टर जटाशंकर चौधरी ने बताया। मेघालय में जो आत्मा का काम चल रहा है, आत्मा और समिति का, और यहाँ जो चल रहा है, वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ जो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है उसको देखना, और जो भी अच्छी चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसको अपने राज्य में ले जा करके वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और कुछ ही अच्छी चीज़ें यहाँ भी बताना ताकि जो कुछ अच्छी चीज़ें मेघालय कर रही है उसको हम अपने स्टेट में भी यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और यहाँ के किसानों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है और वो ओल की खेती करना चाहते हैं तो जून तक बुआई कर दें। फसल लगाने के लिए अभी से ही गड्ढे खोद लें और उसके सूखने के बाद बीज लगाएं। किसान भाई, अगर आपके पास असिंचित जमीन है और आप कंदीय सब्जी ओल लगाना चाहते हैं तो मई से जून महीने तक फसल लगा दें। किस तरह से बीज लगाना है और किन बातों पर ध्यान देना है, इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। यदि अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो इसको फिर इन्हीं प्रजातियों को मई और जून में इसकी बुवाई करें। साथ साथ यदि आप मई जून में बोना चाहते हैं तो अभी से ही 2x2 के गड्ढे बना लें और उनको सूखने दें। इसके बाद उसमें जब बोएं तब अच्छी तरह गोबर की खाद, DAP, पोटाश मिलाकर और साथ ही बर्मी कंपोस्ट भी उसमें डालें और एक ग्राम के हिसाब से लिंडेन डालें, जिससे कि मतलब उसमें कोई कीड़ा ना लगे, और बुआई करें। किसान भाई, अगर आप बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए काशी अनमोल K2, VNR 32, HUPH 117 या स्वर्ण प्रफुल्ल नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बरसात में आपको मिर्च की खेती करना है तो मिर्च उपयुक्त किस्म जो है, जैसे कि काशी अनमोल K2 है, जो अनुसंधान के प्लांटों में जिसका बीज तैयार किया जाता है, आप यहां से ले सकते हैं। उसके अलावा जो है प्राइवेट कंपनी में अगर संकर किस्म लगाना है तो VNR 32 करके एक किस्म है जो बारिश के दिनों के लिए उपयुक्त है। उसके अलावा सिंजेंटा कंपनी का HUPH 117 करके संकर किस्म है, जिसको कि आप लगा सकते हैं। और एक और किस्म जो है स्वर्ण प्रफुल्लिया जो है अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित किया गया है, उसका भी बीज जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है और बारिश के दिनों के लिए उपयुक्त है। बर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। यह प्लास्टिक का बना चौकोर होज नुमा संरचना होता है, जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर बर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाया जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3600 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन, आप कृषि समाचार में देखें मौसम का हाल, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबरें। हम आगे आपको और कई विषय पर, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई विषयों पर जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपना कर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगरा भाई, जानकारियों का सिलसिला शुरू किया जाए? हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। किसान भाई बहन, बात ऐसा है कि हम किसान लोग कई पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं और कई नई फसलों की भी खेती करते हैं। दरअसल ये फसल जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे, वो है मशरूम। तो फसल नई नहीं है, लेकिन इसे कई अच्छा खासा हमको फ़ायदा हो सकता है। और क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे फ़ायदा हो सकता है और हम किसान भाई बहन कैसे मशरूम की खेती से फ़ायदा उठाएँ, इस विषय पर बताइए कौन जानकारी दे रहे हैं? इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। किसान भाइयों, आप मशरूम की खेती तो करते ही हैं, लेकिन उसकी अच्छी खेती कैसे करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो,
इन विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर मौर्य शाह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि मशरूम की खेती किस तरह किया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। कि देखिए, किसान भाई हमारे खेती तो करते ही हैं मशरूम की, बस थोड़ा सा उसमें जो है वैज्ञानिक अप्रोच देने की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब, वैज्ञानिक तरीके से मशरूम की खेती करें तो किसान भाइयों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। विशेष तौर पे जैसे होता क्या है कि हमारे किसान भाई जो है छप्पर में या घरों में जो है मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किसान भाइयों की समस्याएँ रहती है कि साहब जो है बैग से जो है मशरूम कम निकल रहा है, या मशरूम का आकार नहीं बढ़ रहा है, या मशरूम जो है लंबे समय तक जो है तब नहीं निकल पाता है, तो ये समस्याएँ बनी रहती हैं, या कीड़े लग जाते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो किसान भाइयों को जो है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप मशरूम की खेती करने जा रहे हैं उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तो उसमें कीड़े मकोड़ों का जो है प्रकोप नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी आप जैसे पुआल का इस्तेमाल करते हैं या भूसे का इस्तेमाल करते हैं, झारखंड में ज़्यादातर किसान भाई पुआल का इस्तेमाल करते हैं, तो पुआल जो है आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक वर्ष से पुराना ना हो। एक वर्ष से पुराना होने पे क्या होगा कि आपका जो है मशरूम के बैग में बहुत सारे संक्रमण आने के चांसेस रहते हैं। और तीसरी बात जो ध्यान में रखने की बात है कि जो मशरूम के जो पुआल को इस्तेमाल करते हैं वो उसको भिगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं कि जो है 100 लीटर पानी में 50 से 60 ml फार्मेलिन और 10 से 12 ग्राम बाविस्टीन को मिला के ओवर नाइट के लिए यानी रात भर के लिए छोड़ देना है और अगले दिन उसको छानना है। तो इस समय जैसे गर्मी के दिनों में टेम्परेचर थोड़ा जो है राइज करता है तो उस समय फंगस या फफूद के अटैक ज़्यादा होते हैं, तो उस समय फार्मेलिन की मात्रा किसान भाई बढ़ा लें। जैसे जहाँ पे 50 से 60 ml इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे 60 से 70 ml, 60 से 80 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिला के तब पुआल को भिगाएं। कौन अभी जो गर्मी का मौसम है कौन कौन सा प्रजाति लगाएं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? झारखंड में ज़्यादातर किसान जो है ओस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम जिसको बोलते हैं, ओस्टर मशरूम की खेती ज़्यादातर किसान भाई करते हैं। लेकिन होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जैसे अभी का मौसम है अप्रैल मई जून, इस समय जो ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहती है, इस कम ह्यूमिडिटी पे ओस्टर मशरूम जो है सूखने लगता है, तो ये बहुत ही मेजर समस्या है और जिसके कारण से किसान भाई जो है ओस्टर की खेती अप्रैल मई जून के महीनों में जो है सफलतापूर्वक नहीं ले पाते हैं। जो किसान भाइयों को चाहिए कि जो है मिल्की मशरूम या पुआल मशरूम जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैडिस्ट्रा मशरूम, इन मशरूम की खेती करें, क्योंकि ये मशरूम जो है उच्च तापमान पे अच्छे होते हैं और इनको जो है ज़्यादा जो है करना तब लगाने का तरीका तो जो है मिल्की और ओएस्टर का सेम है, बस केवल है क्या अंतर कि जो मिल्की मशरूम का जब बैग जो है सफ़ेद जब ग्रोथ आ जाती है मशरूम की तो बैग को खोल दिया जाता है और उसके ऊपर केसिंग किया जाता है 1 से 1.5 इंच मोटी, पुराने कंपोस्ट की खाद लेनी होती है, बगीचे की मिट्टी होती है और थोड़ा सा जो है वर्मी कंपोस्ट के साथ उसको जो है फार्मेलिन से उपचारित करके 3 से 4 दिन के लिए ढक के छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब इस्तेमाल करना हो उससे एक दिन पहले उसको खोल के हवा लगने दें, फिर उसको जो केसिंग मटेरियल है जिस जो बनाए हैं आप उसको जो है मशरूम के बैग को खोल के 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर्स कवर कर दे, इसके बाद उसमें से बहुत ही अच्छे ढंग से मशरूम निकलता है। ये मिल्की मशरूम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि एक बैग में लागत की जब हम बात करते हैं तो क्या लागत आता है और क्या उत्पादन होता है किसान भाई? प्रति बैग लागत कितनी आती है और कितना किसान को फायदे होते हैं? तो जैसे एक तरह से हम कहें किसान भाइयों को कि जैसे आप जो है एक बैग जब लगाते हो तो लगभग आपकी लागत जो है 30 से 35 रुपये तक आती है। 30 से 35 रुपये का मतलब है कि आपका मशरूम उससे उस बैग से लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास निकलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में 1 किलो मशरूम जो है मुश्किल से निकल पाता है। तो फिर भी यदि 1 किलो मशरूम भी निकल पाता है तो 1 किलो मशरूम आप जानते हो कि 80 से 100 रुपये के रेट से हम लोग मशरूम बेचते हैं, तो उसमें से आप जो है 30 से 35 रुपये आप कट कर देते हैं तब भी आपको प्रति बैग जो है 50 से 60 रुपये की जो है आपकी बचत हो जाती है। डॉक्टर, और कौन कौन सा तकनीक अपनाएं किसान भाई जिससे जो है जो उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं? हाँ देखिए, किसान भाई जो जनरली हमने देखा है झारखंड में कि किसान भाई 25-50 बैग मैक्सिमम तौर पे लगाते हैं, जबकि
आप यदि मशरूम के लगाने का तरीका जान गए हैं, उत्पादन की तकनीकी जान गए हैं, तो आपको इसको व्यावसायिक तौर पर देखना है। व्यावसायिक तौर पर देखने का मतलब यह है कि आप एक बार में कम से कम जो है 4 साइकिल डेवलप करें, कि यदि हर सप्ताह 25 से 30 बैग जो है आप लगाएं, इस तरह से पूरे महीने भर आपके पास जो है मशरूम निकलने के जो है आसार होते हैं, यानी 100 बैग आपके पास लग जाते हैं एक महीने में, और 25-25 बैग जो है एक एक सप्ताह के अंतराल पे फल देना स्टार्ट करेगा। इससे होगा क्या कि आपके मशरूम उत्पादन में महीने भर आप जो है मशरूम जो है उपलब्ध रहेगी, जिससे आप जो है मतलब उसको तोड़ के बाजार में हमेशा उपलब्ध रहेंगे और अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। क्या मशरूम जो है अन्य खेती का सब्स्टिट्यूट बन सकता है? देखिए, मशरूम की खेती जो है घरों में किया जाता है, जबकि अन्य खेतियाँ जो है खेती जो है हमारी खेतों में होती है। इसको जो है इसके लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास छप्पर है या कमरे खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर मशरूम की खेती की जाती है। और इसकी खेती और अन्य सब्जियों की खेती में बहुत अंतर है, इसलिए जो सब्जियों की खेती जिनको हम खेतों में करते हैं उसको खेतों में ही करते रहिए, साथ में जो है आप जो है घरों में जो मकान खाली है, कमरे खाली हैं, छप्पर खाली है, ऐसे छप्पर को जो है साफ़ सफाई कर ले और उसमें मशरूम की खेती करके आप अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं सब्जियों की खेती के साथ साथ। बताए गए प्रभेद का प्रयोग करके, उन्नत तकनीक का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों के साथ नमस्कार। भाई, जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी थी। तो जानकारियों का सिलसिला तो चल निकला है, तो हम दूसरी जानकारी भी किसान भाई बहनों को जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप? संदेश भी बहुत बढ़िया कितकी भौजी। तो अब जो आप दूसरा जानकारी देने वाले हैं, अब बताइए वो जानकारी क्या है? आज हम दूसरी जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को गर्मा धान के बारे में। गर्मा धान की समसामयिक देखभाल कैसे की जाए, मतलब के अभी के समय में बिल्कुल हम किसान भाई बहनों को माने क्या क्या देखभाल करें, किन बातों का ख्याल रखें ताकि हम उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें, इस विषय में ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आइए किसान भाई बहन, हम लोग देखते हैं गर्मा धान की समसामयिक देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परवेज आलम जी। कृषि दर्शन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्मा धान के ऊपर, और इसके लिए उपयुक्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। पहले डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आखिर गर्मा धान की फसल है क्या? देखिए, जो धान का खेती गेहूं कटने के बाद गर्मी के मौसम में किया जाता है उसको हम लोग गर्मा धान कहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे किसान गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाता है, और खेत खाली होने के बाद अब धान का लगाने का समय मानसून के आने के बाद प्रारंभ होता है। लेकिन जो मार्च से लेकर के जून तक का महीना होता है, इसमें अगर किसान भाई चाहें तो गर्मा धान का खेती कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अगर थोड़ी बहुत भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि गर्मा धान एक ऐसा विकल्प है किसान के लिए कि इसमें किसान को अतिरिक्त आय होती है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि खेत किसान का खाली नहीं रहता है। अब गर्मा धान से फ़ायदा किसान को क्या क्या हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि बहुत सारे, आप जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाई धान की फसल पहला तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, अपना पेट भरने के लिए करते हैं। पेट भरने के बाद जो भी धान का फसल धान उनको बचता है उसको वो मार्केट में सेल करते हैं। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि बहुत सारे किसान भाई धान का खेती इसलिए करना चाहते हैं कि वो इसके बीज को मार्केट में उचित दर पर बेच सकें।
तो गर्मा धान का जो गर्मा के समय में जो धान लगाते हैं और उस समय जो गेहूं का बीज प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस समय मौसम ऐसा रहता है कि वायुमंडल में आर्द्रता की बिल्कुल कमी रहती है और आर्द्रता नहीं होने के चलते बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो कि धान के फसल की गुणवत्ता को ख़राब कर सकते हैं उनका आक्रमण नहीं के बराबर होता है, और इसलिए गर्मा धान का के से जो उत्पादित जो फसल होते हैं, जो धान होते हैं, वो काफ़ी गुणवत्ता के मामले में अच्छे होते हैं और इसको जब मार्केट में जब बेचने जाते हैं किसान भाई तो उसको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी कोई कीड़ा नहीं लगा रहता है। क्या उसके बाद सबसे पहले हम बात करें कि इसके लगाने की क्या क्या विधियाँ हो सकती है? गर्मा धान को लगाने के लिए जो विधि आप मानसून के समय जो धान लगाते हैं उसी विधि से लगाते हैं। बहुत से किसान भाई जिनके पास सिंचाई की पानी की सुविधा उपलब्ध है वो पहले उसका बिचड़ा उगाते हैं और जब बिचड़ा 20 से 21 दिन का हो जाता है तो उसको रोपाई कर देते हैं। जहाँ पानी की समस्या थोड़ी बहुत है वहाँ पे किसान इसको डायरेक्ट भी लगाते हैं, यानी डायरेक्ट खेत में लाइन ओपन करके लाइन में इसको लगा देते हैं। तो इसकी सिंचाई कैसे की जाए, किस तरह से किया जाए? देखिए, सिंचाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर खेतों में जिस समय आप गर्मा धान का बीज आप डाल रहे हैं उस समय ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि खेत में इतना पानी ज़रूर है कि आपका बीज अंकुरित हो जाए और फसल निकल के ऊपर आ जाए। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि पानी पौधों को पानी की आवश्यकता अधिक होगी, तो जैसे जब किसान भाई को पता चले कि हमारे पौधों को पानी की आवश्यकता है, वो किसान भाई पौधों के अवस्था को देख करके आसानी से पता लगा लेते हैं, तो एक दो सिंचाई उनको चाहिए। पहला सिंचाई 20 दिन पे कर लें और दूसरी सिंचाई 40 दिन पे कर लें तो गर्मा धान का फसल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय जो पौधों की बढ़वार की जो स्थिति रहती है वो करीब करीब पूरी हो जाती है, कल्ले निकलने की प्रक्रिया जो है वो पूरी पूर्ण हो जाती है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि इस समय पौधों खेत में पानी की कमी नहीं हो। सर, एक चीज़ और है इसमें कि ये पानी सिंचाई हो गया, अब इसमें कोई कीटनाशक या खाद कुछ इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, कीटनाशक तो जैसा कि मैंने आपको चर्चा के प्रारंभ में बताया कि ये गर्मा का जो सीजन है, जो टाइम होता है, इसमें गर्मी चूँकि ज़्यादा होती है और वायुमंडल में आर्द्रता नहीं के बराबर होती है, तो आर्द्रता नहीं होने से क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या जो कीटाणु जो कि गर्मा फसल पर अटैक कर सकते हैं, जो कि उसको प्रभावित कर सकते हैं, इनका जो प्रकोप है वो नगण्य हो जाता है, नील हो जाता है, यानी वो नहीं कर पाते क्योंकि मौसम ही उनको साथ नहीं देता है कि वो अपना अंडा बच्चा लेकर के खेत में आए और पौधों के गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएं। तो इसकी समस्या तो बिल्कुल नहीं रहती है। गर्मा फसल में आपको किसी तरह की इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा खाद, तो खाद के मामले में हम आपको इतना कहेंगे कि जो किसान भाई खरीफ के मौसम में जितना खाद का इस्तेमाल करते हैं और जिस ढंग से करते हैं उसी ढंग से गर्मा फसल में भी, गर्मा के धान में भी खाद का वो उपयोग करें और मात्रा भी उतना ही रखें जितना वो खरीफ में करते हैं। झारखंड प्रदेश में इसकी कितनी संभावनाएं हैं गर्मा धान पर? देखिए, झारखंड में इसकी मेरे हिसाब से बहुत असीम संभावना है। क्यों? क्योंकि हाँ, अक्सर आप देखेंगे कि इसके बाद किसान अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं, जुताई कोड़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर गर्मा फसल ले रहे हैं तो एक तो उनका खेत का जुताई कोड़ाई हो रहा है और जो गर्मा फसल से जो उत्पादन उनको प्राप्त हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका जो उत्पादन है वो बीज के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें इसका जो क्वालिटी होता है बड़ा अच्छा मिलता है किसान भाई को। तो अगर इसको किसान भाई बीज को मार्केट में बीज के लिए अगर इसको बेचते हैं तो उनको प्रति किलो जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, काफ़ी एडवांटेज मिलता है। इसलिए मेरी सलाह है कि किसान भाई गर्मा धान की खेती अवश्य करें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाकई परवेज आलम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित रूप से इसे किसानों को लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा, हम इसीलिए तो जानकारी और उसे लेकर के आते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जो भी फसल लगाए हैं, तकरीबन इस मौसम में जिन फसलों की खेती की जाती है, जो फसल लगाए गए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें और जो दिक्कतें हैं कैसे उसका सामना किया जाए, कैसे उसका उपचार किया जाए, तो इन विषयों पर हम जानकारी दिए। हमको लगता है कि हमारा घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही है किसान भाई बहनों। एक बात की तो इजाजत दे रही है कि आप कागज कलम उठाएं
नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें हमारी पूरी टीम को और मंगरा को दीजिए इजाजत और केट की भौजी को भी दीजिए इजाजत। जोहार।